शिव त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ का युद्ध भी हो चुका है। यह बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में देखने को मिलता है। आज हम आप लोगों को इस बारे में बताने वाले हैं कि कैसे और कब भगवान भोलेनाथ और हनुमान का युद्ध हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तब यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ करते थे। वीरमणि के पुत्र ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुओं को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके बाद शत्रुघ्न के पुत्र और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया, तब उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों का यह हाल देखा तो भगवान भोलेनाथ उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ को युद्ध करते देख भरत भी वहां आ पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भरत के पुत्र पुष्कर से और नंदी को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कर का युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कर का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ से ज्यादा युद्ध करने लगे और उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा और अंत में भगवान भोलेनाथ के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देखकर हनुमान जी शिव जी से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा देने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी से उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत संजीवनी लेने जा रहा हूँ, तब तक आप उनकी शरीर की रक्षा कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी ने पर्वत आए और वहां से औषधि लेकर युद्ध भूमि में आ गए और उन्होंने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। भारत होश में आने के बाद फिर से भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने लगे, लेकिन किसी भी तरह से भगवान भोलेनाथ से जीत नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम को याद करने के लिए कहा। फिर भरत ने श्री राम को याद किया तो वहां पर भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हो गए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम की शरण में चले गए और अन्य योद्धाओं को भी भगवान श्री राम की चरण में जाने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह से वह युद्ध समाप्त हो गया।